नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, इस महीने का जो गूगल का अपडेट आया है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है मंथली इसका डेटा निकलता है और जो भी नया आता है उसमें आप ये देख सकते हैं, इन्होंने दोस्तों अब गूगल लेंस शुरू कर दिया है। मान लीजिए आपको कोई फ़ोटो है जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, अब उस फ़ोटो में ये बैग आप देख रहे हैं और ये आपको पसंद आ गया है, तो अब आप इसको गूगल लेंस की मदद से जो है स्कैन कर सकते हैं। और जैसे ही स्कैन करेंगे तो गूगल लेंस का पॉपअप राइट साइड में एक विंडो ओपन होगी और वहाँ पे आपको सजेशन के तौर पे ये दिखाई देगा कि ये क्या है, कैसे है। और यहाँ लिखा है कि क्विकर एक्सेस के लिए आप पिन कर सकते हैं साइड पैनल में टू एड द आइकन टू योर टूल बार। अब दोस्तों होता क्या है कि हम जैसे ही कहीं पर भी क्लिक करते हैं और आप जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर होता क्या है कि गूगल लेंस ओपन हो जाता है, और ओपन नहीं होता है तो आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बकेट है और ये लैपटॉप है। अब हमें यहाँ पर चलना है, चलने के बाद आप देख सकते हैं आपको जो है सर्च विथ गूगल लेंस का ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर टाइप कीजिए। ये देखिए, इसने बोला है कि आप सेलेक्ट कीजिए और ये टेबल बना दी गई है। मैं अब मान लीजिए इस लैपटॉप को ही यहाँ से जो है इतना कट कर लेता हूँ, तो अब ये इसकी फ़ोटो गूगल पर लेकर जाएगा और वहाँ ले जाकर बताएगा कि ये कौन सा लैपटॉप है। और अगर एक्यूरेट ये नहीं बता पाया कि कौन सा लैपटॉप है, तो इतना ज़रूर बता देगा कि ये लैपटॉप है। और ये जो है आपको यहाँ पर देखिए सजेशंस आना शुरू हो गए हैं, और ये सजेशंस हैं यूज़ करते हुए लैपटॉप जो दिखाया जा रहा है, वर्किंग लैपटॉप्स, उसकी से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ आ गई हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये जो फ़ोटोज़ हैं, और यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि संबंधित चीज़ की जो है और ज़्यादा अधिक जानकारी मिल सकती है, ऐसा कहना है। अगर मान लीजिए हम कुछ और आपको यहाँ पर दिखाएं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये मैंने टाइप कर दिया है रोबोट इमेजेस। अब यहाँ पर चलते हैं, चलने के बाद सर्च करते हैं गूगल लेंस के साथ, और अब मैं इसको जो है यहाँ से इतना फ़ोटो दे देता हूँ लेंस को, तो अब ये देखिए सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करके आपको रोबोट से संबंधित और भी जानकारी, और भी इमेजेस, वेबसाइट और जितना डिटेल उसको लगता होगा कि सफिशेंट है रोबोट्स के ऊपर दिखाने के लिए, ये देखिए आपको यहाँ पर यूट्यूब की लिंक्स, अमेज़न की लिंक और पिंटरेस्ट के जो फ़ोटोज़ बनाए जाते हैं, ये इस तरीके से देखिए आपको जो है दे दिया है। तो दोस्तों, ज़्यादातर गूगल लेंस का काम तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को जानते नहीं हैं और पता करना चाहते हैं, हम उसका नाम नहीं जानते हैं। जैसे कि आप प्लांट के फॉर्म में ले सकते हैं, कोई ऐसा प्लांट होता है, अगर आपको उसका नाम नहीं पता है, जस्ट आप क्रॉप कीजिए, स्कैन कीजिए, तो ये आपकी मदद करेगा। और ये बहुत अच्छा फीचर जो है यहाँ पर ऐड किया गया है अभी लेटेस्ट में। इसके बाद दोस्तों एक और देख रहे होंगे जो कि ट्रेंड है, और AI को सब लोग ही इनेबल कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, गूगल भी पीछे नहीं हटेगा। जेमिनी स्टार्ट किए हुए उसको टाइम हो चुका है, उसका ऐप भी स्टार्ट किए हुए टाइम हो चुका है, लेकिन अब URL में ये कैसे आ गया है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि मान लीजिए आपको यहाँ करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे @ लिख देना है। आप जैसे ही @ लिख देंगे, आप देख पा रहे होंगे ये लिखा गया है चैट विथ जेमिनी। अगर आप जेमिनी के साथ चैट करना चाहते हैं तो वह इस URL पर ही एक प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा आपके लिए। ये देखिए, ये अब जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा वो सीधा सीधा आपको जेमिनी पर लेकर जाएगा। आप जो है यहाँ से जाकर कुछ भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए हम पूछते हैं हाउ डज ब्लिंकिट जो ऐप है, ये 10 मिनट में कैसे डिलीवरी करता है, ये फास्टेस्ट सर्विस जो है, तो हमने यहाँ प्रॉम्प्ट में लिख दिया है हाउ डज ब्लिंकिट ऐप वर्क्स इन 10 मिनट्स। अब मुझे यहाँ से एंटर कर देना है, ये प्रॉम्प्ट को जेमिनी के पास लेकर जाएगा। देखिए, ये प्रॉम्प्ट लिखा आ गया है, ये कमांड जेमिनी के पास गई है। अब जो स्पेस ओपन होगा, ये स्पेस ओपन हो गया है, ये हमारा नाम लिखा आ गया है, और यहाँ पर अब ये जो है मैं इसको डन कर देता हूँ,
डन करने के बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन किया था और ये यहाँ पर देखिए, आपको सरल भाषा में 5 पॉइंट लिखकर दे दिए गए हैं। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेडिकेटेड डिलीवरी फ्लीट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशंस, पार्टनर स्टोर्स। तो ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है इसको देख सकते हैं, ये यहाँ से आप इसको लिसन कर सकते हैं। अगर दोस्तों नीचे कुछ और ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे कि देखिए रिस्पॉन्स मॉडिफाई करना है, आपको पसंद नहीं आया है, लाइक डिसलाइक करना है, शेयर करना है, अगर इसको भी गूगल करना चाहते हैं डबल चेक रिस्पॉन्स को, तो आप जैसे ही यहाँ पर इस पर टैप करेंगे, ये नीचे कुछ सजेशंस टॉपिक आ रहे हैं। हाउ डस ब्लिंकिट ऐप वर्क इन 10 मिनट्स, इस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये देखिए ये कुछ जानकारी जो आपको यहाँ पर हाईलाइट हुई है, ये इसको गूगल के माध्यम से मिल गई है। एक्यूरेट इतना गूगल पर जो है लिखा होता है, ये आप देख सकते हैं ये कंटेंट किस वेबसाइट पर लिखा है। ये एक प्लेजरिज्म का भी बहुत अच्छा पार्ट होता है, जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि क्या जो AI जनरेटेड जो ये प्री ट्रेंड होते हैं, ये कितना एक्यूरेट लिख रहे हैं, कितना प्लेजरिज्म फ्री लिख रहे हैं, ये भी चेक किया जा सकता है। आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये देखिए शॉर्टर, लॉन्गर, सिंपलर, मोर कैजुअल, मोर प्रोफेशनल। तो मैं अगर मोर प्रोफेशनल पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये कुछ प्रोफेशनल तरीके से एक बार फिर लिख कर दे देगा। और ये देखिए ये बड़ी आसान सी भाषा में इसने जो है लिख कर दे दिया है। ये दोस्तों जो जेमिनी का और भी आपको इंटरफेस दिख रहा है, इसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, ये कैसे काम करता है, इसके कुछ बेसिक्स फीचर लेकर और बेसिक प्रॉम्प्ट लेकर मैं जेमिनी पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। हाल फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगला जो फीचर है गूगल क्रोम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, मान लीजिए ये हमारा चैनल है, आप अपनी वेबसाइट का, अपने बिजनेस का, अपने पेज का, किसी भी चीज़ का एक QR कोड बनाना चाहते हैं जस्ट एक सिंपल चीज़ से, तो आपको उसमें करना क्या है, ये पेज है और इसको चलिए यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कास्ट, सेव और शेयर। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये लिखा रहा है क्रिएट QR कोड, इस पर टैप कीजिए, ये कोड बन गया है। आप नीचे नाम देख पा रहे होंगे https://www.youtube.com, और ये हमारा हैंडल है @ विवेक भारद्वाज। इस QR को आप शेयर करेंगे तो ये जो सामने आपको पेज दिख रहा है ये पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज की मदद से डायरेक्ट आप अपने बिजनेस पार्टनर, बिजनेस कस्टमर तक अपनी रीच को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि QR स्कैन करना आजकल बहुत आसान हो गया है और बहुत ही ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि चलन में है। तो दोस्तों ये कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग से फीचर्स जो है हम कह सकते हैं इसमें आए हुए हैं, और भी जैसे जैसे फीचर्स आते जाते हैं हम आपको जो है बताते जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो है गूगल ने शुरू की है। एक और रह गया है लास्ट, आप ये रीडिंग मोड देख रहे होंगे, मैं आपको जो मैंने इनकॉग्निटो में अपनी वेबसाइट का पेज ओपन कर रखा है वहाँ लेकर चलता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आप इसको पढ़ना चाहते हैं, और इसको अगर आप बुक फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, बीच में ये जो आपको ऐड दिख रहे हैं ये इस तरीके से, तो आप करिए क्या, यहाँ पर आइए और आने के बाद आप जो है इसको मोर टूल्स में आएंगे और रीडिंग मोड में इसको ओपन कर देंगे। ये देखिए ये अब यहाँ पर रेडी हो रहा है और ये एक्यूरेट आपको रीडिंग मोड में ओपन हो गया है। अच्छी बात इसकी यह है कि यहाँ पर कुछ भी आपको बीच में एड ब्रेक नहीं दिखेंगे, ये ही और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये देखिए ये कुछ आप किस लैंग्वेज में इनको देखना चाहते हैं, तो आप जैसे ये कर दीजिए तो देखिए ये इसी में आ गया है, प्लस कर दीजिए इसका साइज़ बढ़ गया है, ये दे रखा है यहाँ पर लिंक्स को डिसेबल करने के लिए, अगर यहाँ पर कोई लिंक है तो वो डिसेबल कर दी जाएंगी। देखिए ये लिंक भी डिसेबल हो गई हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप कुछ ऑप्शन और देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको कलर देना चाहते हैं, या इसके मार्जिन को सेट करना चाहते हैं, या इसके लेटर के स्पेसिंग को देना चाहते हैं, कितना ही शानदार ये रीडिंग मोड है आप इसको देखें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आपको कॉन्सनट्रेट होकर इसको देखना है तो आप इस रीडिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेबसाइट्स जैसे हमारी वेबसाइट है इसमें आपको बहुत कम ऐड दिख रहे हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट पर इतने ज़्यादा ऐड आते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप सिंपल सा रीडिंग मोड पर क्लिक कीजिए और जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नए फीचर्स थे गूगल क्रोम के, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।